नामेरी नेशनल पार्क इज़ इन असम मंगल जो स्पीशीज है ये वेजिटेशन है रिलेटेड टू तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज करते हैं बैट्स फॉर नेविगेशन विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द फोक डांस पुंग चोलम पुंग चोलम इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द नेवरा वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये किताब है नारोजी, नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दादा भाई इनके ऑथर कौन है मित्र मेला वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1899 आज की वोकेबलरी है गिमिक गिमिक मतलब वो एक पब्लिसिटी स्टंट होता है एक ट्रिक और डिवाइस होती है इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन डिटर करना मतलब किसी चीज को रोकना डेटरेंस डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस जैसे न्यूक्लियर डेटरेंस फ्रेनेटिक का मतलब होता है वो बहुत वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड वे में फास्ट एंड एनर्जेटिक है फीवरिश है उम्बरेज का मतलब होता है ऑफेंस और अनोयस ऑफेंसिव ऑफेंडेड अप्रंटेड का मतलब होता है वो प्रारंभिक है शुरुआत में प्री लिखा हुआ है यहाँ पे प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी प्रिलिमिनरी ओपनिंग सो ये वो कैबुलरी वर्ड है आज के इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं दिस इज अबाउट ऑमिक्रॉन ब्रेथ टेकिंग हॉल्ट दिस इज वाइट कश्मीर बिहार केरला में कोविड नाइन्टीन के नंबर्स दिस इज साइक्लॉन जोवर्ड तो आज हम समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन मैपिंग देखेंगे टर्मिनोलॉजीज देखेंगे क्या कंडीशंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यू होने की एंड देन वी विल प्रिपेयर नोट देन दिस इज एयर क्वालिटी इंडेक्स और ए क्यू आई पुअर होने से हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है दिस इज मुंबई की रिवर्स री इमेजिन करना है क्लासरूम दिस इज वेरी गुड स्टेटमेंट इस पर हम एक आंसर राइटिंग करेंगे बूस्टर्स शॉर्ट कोऑपरेटिव दैन द नीड टू रीओपन आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैल्थ केयर में हेल्थ केयर एंड बच्चों का अर्ली हेल्थ केयर न्यूट्रिशन वूमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा में दिस इज एनीमिया एंटीड्रोन टेक फॉर पार्क बॉर्डर हैदराबाद बेस्ड रॉकेटमैन एम फॉर द स्टार्ज वर्ड्स विच साउंड द सेम मे नॉट मीन द सेम एंडी आर डी ओ हाइपरसोनिक एंड दिस मशीन लर्निंग

मिसट्रस्ट और वॉयलेंस दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल देन दिस इज दिल्ली रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन दिल्ली में भी आ गया है ये फैटलिटी काउंट है सी नंबर्स अब ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ रहे हैं बिहार केरला अपडेट कोविड 19 दिस दिस मच नंबर इन अ डे वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वैक्सीनेशन नहीं लगाया है तो गो गेट योर वैक्सीनेशन टूडे फर्स्ट डोज भी ज़रूरी है और सेकेंड डोज भी जरूरी है और वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है दिस इज अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ओडिशा बियर्स ब्रंट ऑफ जोवर्ड रेन तो ये साइक्लोन है इसका हमने नाम देखा था साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है अब हमने डिजास्टर प्रिपेयरनेस भी देखा तो ओडिशा बियर्स ब्रंट ऑफ जोवर्ड रेन ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर है फॉर नाइन कोस्टल इन स्टेट हमने कलर कोडिंग भी पढ़ लिया है डिजास्टर्स में ऑरेंज अलर्ट कब होता है ग्रीन अलर्ट कब होता है हैव अ लुक एट द नोट्स सो दिस इज ऑरेंज अलर्ट सी इस टॉपिक को हम आज अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन तो सी ये हमारा कंट्री है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं वो स्टार्ट होते हैं सी में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट कहाँ पे होगा ये काइंड ऑफ डिजास्टर है और जो डिजास्टर है ये सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल डिजास्टर तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट कहाँ पे होगा ये जो मैप है ना इसको बोलते हैं हेजार्ड मैपिंग या हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोन एरिया का मैपिंग किया है हेजार्ड और डिजास्टर प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैपिंग करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज कि कौन से एरिया में थ्रेट है किधर कब किस टाइम पर डिजास्टर्स आते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैपिंग तो इंडिया में देखो ये हमारी कोस्टल बॉर्डर्स हैं ये जो कोस्टल बॉर्डर्स हैं प्राइमरली सारे जगह पर हमें साइक्लोन के थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं और ये जो थ्रेट्स है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज आई रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया था साइक्लॉन्स होते जा रहे हैं इंटेंस और साइक्लॉन होते जा रहे हैं फ्रिक्वेंट मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी के आ रहे हैं और जल्दी जल्दी आ रहे हैं ये दो नए डेवलपमेंट हैं तो अफेक्टेड एरिया में देखिए ये गुजरात का एरिया है देन दिस इज हियर देन दिस अब ये जो जोन है ना स्पेशली दिस जोन इधर सबसे ज़्यादा साइक्लॉन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में साइक्लॉन्स ज्यादा आते हैं क्योंकि साइक्लोन जैसे मूव कर रहे हैं वो हिट करते हैं लैंडफॉल होता है इस जोन में यूजुअली अरेबियन सी का जो साइक्लोन होता है वो फिर अरब पेनन्सुला तरफ चला जाता है इतने ज़्यादा साइक्लोन्स इस कोस्ट पे नहीं आते हैं बे ऑफ बंगाल कोस्ट में ज़्यादा फ्रिक्वेंट है साइक्लोन्स इसका बे ऑफ बंगाल का नेचर भी एक रीज़न है बे ऑफ बंगाल में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है पैसिफिक से कुछ साइक्लोन के लेफ्ट ओवर्स यहाँ आ जाते हैं मल्टीपल रीजनस हैं तो साइक्लोन्स जो है ना ये हम बोलते हैं इंडियन ओशन में इसका ये नाम है साइक्लोन। दिस हियर सेम टाइप जो साइक्लोन है वैसे क्या है साइक्लोन साइक्लोन एक लो प्रेशर का एरिया बन गया है यहाँ प्रेशर कम है तो हवा क्या होगी सब जगह से इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए इधर की तरफ बहेगी हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती है अब बिकॉज मूवमेंट ऑफ विंड हो रहा है कोरियोलिज फोर्स भी हो रहा है तो ऐसे स्पाइरल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे लाइक like दिस और फिर यही बन जाता है इंटेंसीफाई होके साइक्लोन और फिर ये साइक्लोन लैंड पे लैंडफॉल होता है डिसकनेक्ट होता है फ्रॉम सी से और फिर ग्रेजुअली ये डिसिपेट होने लग जाता है दिस इज दिस दिज आर द बेसिक्स ऑफ साइक्लोन तो ये साइक्लोन हुआ और ऐसे ही एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो हाई प्रेशर सिस्टम रहता है ये लो प्रेशर सिस्टम है साइक्लोन्स अब साइक्लोन्स में हवा तेज़ी से बहेगी समुद्र से लैंड की तरफ आएगी तो बहुत पानी गिरता है स्पीड के कारण विंड्स के कारण डिस्ट्रक्शंस होता है सो दैट इज़ वायर कोस्टल एरियाज़ में सिवियर डिस्ट्रक्शन होता है साइक्लोन्स के कारण अब नाम इसके क्या हैं जैसे टाइफून्स ये यहाँ इस जोन पे टाइफून बोलते हैं दिस कौन सा जो है? है ये पैसिफिक चाइना जापान टाइफून विली विली ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉप्रिकॉन है ये इक्वेटर है और ये कैंसर है हरिकेन जो होता है वो अमेरिका तरफ बोला जाता है तो ये डिफरेंट नेम्स है बेसिकली सारे दिस लो प्रेशर दिस साइक्लोन्स का ही एक फॉर्मेट है ओके अब साइक्लोन का स्टॉर्म्स ऐसे बनते हैं जैसे ये बताया ना ऐसे स्पाइरल टाइप बनेगा और ऐसे एक फनल बन जाएगा और बहुत तेजी से विंड्स मूव होगी एंड वाटर जो है वाटर जो है जैसे सी में ये जनरेट हो रहा है तो वाटर वाटर की लेटेंट हीट तो वो इसको प्रोपेल करती है तो इस तरीके से ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म होते हैं फिर इसका स्केल होता है कि कितनी कैटेगरी का स्टॉम है अगर बहुत स्पीड से विंड्स बह रही है तो कैटेगरी हाई हो जाएगी तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरी क्लासिफिकेशन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस जेनेसिस लिखा है मतलब उत्पत्ति साइक्लोन की उत्पत्ति कब होगी जब ये कंडीशंस मेट होंगी पहला वॉर्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए तकरीबन छब्बीस दशमलव पांच डिग्री सेंटीग्रेड एटमोस्फेर में इनस्टेबिलिटी होना चाहिए तभी तो वहां पे लो प्रेशर जोन टाइप बनेगा फिर अपड्राफ्ट होगा ऐसे विंड का अपड्राफ्ट होगा हाई ह्यूमिडिटी लो मिडिल दिस ट्रोपोस्फेयर में होना चाहिए ह्यूमिडिटी हो और इस टाइप से ये कंज्यूजिव होगा कोरियोलेस फोर्स हो तो ऐसे रोटेशन आएगा प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंस हो तो वहां पर साइक्लोन का अर्ली जो है स्मॉलर वहां पे बनेगा फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा लो वर्टिकल विंड शेयर बिकॉज ऊपर ऐसे बढ़ रहे हैं अगर विंड ऐसे ऐसे बढ़ेगी तो ये कॉलम नहीं बन पाएगा तो वर्टिकल शेयर नहीं होना चाहिए लो वर्टिकल विंड शेयर दीज आर सर्टन कंडीशन जो नेसेसरी है ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस में अब अभी तो हमने बड़े बेसिक से देखा बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इफ यू लुक एट द नोट्स तो पिछले कुछ टाइम पे लास्ट ईयर स्पेशली हमने बहुत डिटेल में जितने भी साइक्लॉन्स आए ना अम्फन निसर्ग एट्सट्रा हर किसी को बड़े डिटेल में पढ़ाए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द जोग्राफी थ्रेट एंड प्रिपेडनेस लिंक्ड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बड़ा अच्छा सवाल है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की ज्योग्राफी क्या होती है तो यहाँ पे ज्योग्राफी बताइए डायग्राम्स बताइए उसको एक्सप्लेन करिए जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट को फिर उसका थ्रेट पे आइए तो अब एज अ डिजास्टर इसको ट्रीट करिए और डिजास्टर रिलेटेड पॉइंट्स बताइए फिर प्रिपेयर्डनेस ये अगेन डिजास्टर देन प्रिपेयर्डनेस तो वी हैव टू टेल द जोग्राफी देन वी हैव टू टेल द थ्रेट एंड प्रिपेयर्डनेस लिंक्ड विद दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन तो दिस इज अगेन रियली गुड मैप्स बनाने हैं डायग्राम्स बनाने हैं और इसको एक्सप्लेन करना है टू इट अब जो दूसरा टॉपिक है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का तो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ब्रेथ टेकिंग हॉल्ट ये कहाँ पर है वाइट कश्मीर है व्हीकल्स हैं ये है गुलमर्ग गुलमर्ग इज़ वेरी ब्यूटिफुल स्नोफॉल है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे ऐसे लद्दाख में दिस बर्फ गिर रही है गुड सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ऑल राइट जो सेकेंड है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये दिल्ली के नज़ारे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूशन अभी भी ज्यादा है बट पहले से थोड़ा कम हुआ है वेरी पुअर कैटेगरी इन द कैपिटल ऑन संडे एंटी स्मोक गन्स भी है मेट्रो प्रोजेक्ट साइट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सो दिस इज द सेकेंड पेज यहां एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू है डॉक्टर अनंत मोहन का आप एम्स के डॉक्टर हैं आपने बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जैसे बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इसका ना कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट आ रहा है हमारी हेल्थ केयर में स्पेशली चिल्ड्रन ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है ना ये बढ़ती जा रही है इट अफेक्ट्स सेवरल ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड एज इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एयर वे खराब हवा आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिफ़िकल्टी आती है प्रॉब्लम्स कैसी हैं जैसे नोज इरिटेशन इन्फ्लेमेशन साइनसस थ्रॉट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कफ फेलगम ये सब चीज़ें अर्ली शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है साथ ही साथ लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है हेल्थ केयर डिटीरिट हो रही है और जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है इफ़ चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू दिस लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन देअ लंग्स वुड नॉट ग्रो टू द नॉर्मल लेवल ऑल दिस विल शो द इफेक्ट वेन दे आर डल सो दट इज वाई वी आर डूइंग दिस क्राइम एयर पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए वॉर फुटिंग पे सो दिस इज देयर अब ये जो नेक्स्ट पेज है दिस इज अबाउट फ्लाइंग हाई चिल एंड थ्रिल तो पिजन आफ्टरनून, दिस इज बहादुर शाह जफर माग इन दिल्ली जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक निगलेक्टेड केस है अक्सर जो कोर्ट रूम्स हैं वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्डिंग्स फैसिलिटीज़ नहीं है अभी हम इंटरनेट एंड टेली लॉ की भी बात कर रहे हैं तो उसका भी इंफ्रा प्रॉपर नहीं है इस बात को जस्टिस साहब ने बताया कि एक सेंट्रल एजेंसी क्यों ना बने उसके पास ऑटोनॉमी भी हो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कोर्ट्स हैं तो वो उन कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंडल करें तो इससे क्या होगा स्पीड अप होगा एक सिमेट्री आएगी गुड देन दिस इज इंटरव्यू ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वी आर ट्राइंग टू रेजुवनेट मीठी दहीसर एंड अदर रिवर्स इन मुंबई अब जब भी हम मुंबई की बात करते हैं अक्सर मानसून में एक ही इमेज आता है कि मुंबई में फ्लडिंग हो गई डूबने लग गई फ्लडिंग इसका जोग्राफिकल रीज़न भी है एक तो सी लेवल हाइट बहुत कम है मुंबई की समुद्र से ऊँचाई तो अगर ऊंचाई कम है तो स्लोप नहीं बनेगा स्लोप नहीं होना होगा तो जो नेचुरल ड्रेनेज है ना मुंबई का वो वैसे ही बड़ा पुअर है अब उससे और क्या डिटेरेशन हुआ कि जो अभी का ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई का वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का है उसमें अपग्रेड्स हुए नहीं और शहर कितना बड़ा हो गया तो वो उसको कैरी नहीं कर पाता है ड्रेनेज को एंटायर सिटी प्लस अर्बनाइजेशन हुआ तो जो नेचुरल ट्रैक्ट होते हैं ड्रेनेज के वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण ब्लॉक हो गए तो इसी के कारण क्या होता है रिवर्स भी डिटीरिट हो रही है श्रिंक हो रही है जो यहाँ की लेक्स हैं वो भी श्रिंक हो रही है तो इसी के कारण होता है दिस फ्लडिंग फ्लडिंग तो जरूरी है फ्लडिंग को सॉल्व करने के लिए जैसे मिठी और दहीसर रिवर है इसको हम रिजुवनेट करें अब सी लुक एट दिस मैप ये जैसे उल्लास रिवर है दिस इज उल्लास रिवर ये जो मुंबई है ना ये काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ आईलैंड है ये सारे यहाँ पर है तो ये दहीसर रिवर है देन दिस इज ओशीवारा है ना, तुलसी लेक है विहार है देन मीठी रिवर दिस इज मीठी रिवर ये पोवई लेक है आई आई टी पोवई लेक है देन ये महिम बे है ये थाने क्रीक है ये बैक बे है दिस इज अरेबियन सी और ये वसई क्रीक अरेबियन सी वसई क्रीक वसाई क्रीक और ये थाने क्रीक क्रीक मतलब ऐसे नैरो वाटर का ऐसे अंदर एनक्रोच हुआ है टूवर्ड्स लैंड सो दिस इज तो नेहरो क्रीक है वसई है और दिस इज गोराई और ये मलाद है और ये तुलसी लेक एंड दिस रिवर तो अगर मुंबई को फ्लडिंग से बचाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होगा कि यहाँ का जो वाटर इको सिस्टम है वाटर बॉडीज़ है उसको हम रिजुवनेट करें सो दिस इज़ अगेन स्टेप इन राइट डायरेक्शन देन दिस इज़ अबाउट इट्स सेंटर्स जॉब टू लिफ्ट पैडी स्टोलन मिराज अब ये एक कॉमेडी हो गया था मिराज जो है ना हमारा फाइटर प्लेन तो उसके जो चक्के होते हैं चोर उसको ही चुरा के चले गए फिर बाद में टीव्स को लगा ये तो मतलब एयरफोर्स का प्लेन है तो उन्होंने उसको रिटर्न भी कर दिया इन टायर्स को दे थॉट इट इज टायर ऑफ अ ट्रक सो दैट इज़ वाई दे स्टोल इट वेरी नाइस देन दिस इज एजुकेशन प्लस री इमेजिन द क्लासरूम सी क्लासरूम्स को रीइमेजिन करना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को ना आज की डेट में पढ़ाने के लिए हमें एज अ फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा अ फ्रेंड बनना पड़ेगा जो टीचिंग है ना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और एस्पेशली जो नए बच्चे हैं इनको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है तो बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी आ गई है टेक्नोलॉजी का इनको एक्सपोजर है गूगल के एक मोबाइल से दे कैन गेट एक्सेस टू एवरी हर टाइप की इंफॉर्मेशन इनके विद इन सेकेंड्स अवेलेबल है सो वॉट इज़ द रोल ऑफ टीचर वॉट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फ्री कोर्सेज आ गए हैं वीडियोज़ आ गए हैं तो जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ एटसेट्रा वो भी खुद को रिजुवनेट करने की कोशिश कर रही है कि जो डिग्रीज़ हैं वगैरह इनकी यूटिलिटी है या नहीं है सो so एक्चुअली हम जिस एरा में रह रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा चर्न चल रहा है एजुकेशन सेक्टर में सो वी नीड टू री इमेजिन द क्लासरूम बिकॉज यू नो जो स्टूडेंट्स होते हैं यंगस्टर्स होते हैं इनका थाट प्रोसेस क्या होगा डिसिप्लिन क्या होगा राइट right वैल्यूज क्या होगा राइट right जो एक प्रॉपर ग्रूमिंग कैसे की जाए सो दैट वी कैन मेक मेच्योर रेस्पांसिबल एंड सक्सेसफुल एडल्ट सो फॉर दैट रीजन एजुकेशन को री इमेजिन करना जरूरी है स्टूडेंट्स बैक टू कैंपस है अब इसमें कोविड नाइनटीन का भी बैकड्रॉप हो गया एजुकेशन में हमेशा हमने बात की एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ये सब होना चाहिए एक्सेस होना चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस सेंटर ऑफ दिस मेंटल जिमनास्टिक्स हो गए इफ वी आर गुआइड टू जनरेट ऑफ फ्यूचर लीडर्स वी नीड टू शेप अ जनरेशन तो इसके लिए हम क्या करें दूसरा प्रॉब्लम इंडिया में होता है ब्रेन ड्रेन का अब ब्रेन ड्रेन फिर भी बेटर चीज है अगर ब्रेन ड्रेन नहीं होगा इंडिया में उस टैलेंट का कदर है नहीं तो वो ब्रेन तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा तो वेस्ट होने से अच्छा है कि चलो यूएसए का ही भला हो जाए वाइल द नेशन लेमेंटेड द ब्रेन ड्रेन डेकिड्स अगो आई रिकॉल अ प्रोफेसर इट्स बेटर टू हैव अ ब्रेन ड्रेन रादर देन ब्रेन गोइंग डाउन द ड्रेन इट इज बेटर टू हैव अ ब्रेन ड्रेन राधर देन ब्रेन इज गोइंग डाउन द ड्रेन तो दिस इज द प्रॉब्लम वी नीड टू वी नीड टू एनकरेज एनकलकेट दर्चर करना जरूरी है लर्नर रीच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर सुबह जाते हैं कॉगनेटिव एडवेंचर होता है एक्साइटमेंट सरप्राइजेस होता है डे प्रोग्रेस होता है दे फील देयर एनर्जी एब मैनीजुकेटर्स है मूवमेंट तो जो टीचर्स है उनको भी स्टूडेंट्स का जो एक नेचुरल इंक्लीनेशन होता है टैलेंट होता है उसको भी एनकरेज करना चाहिए इनोवेशन हमें करना चाहिए जो स्टीडियो हमने कर दिया है किताबों को क्लासरूम को टीचर्स को इसको भी इट इज टाइम कि हम री इमेजन करें जो ओवरऑल क्वालिटीज़ हैं हमें हमेशा होलजम तरीके से स्टूडेंट का ग्रोथ करना चाहिए बदर अदरवाइज क्या होता है यू विल सी मेनी स्टूडेंट्स दे आर वेरी गुड इन अकेडमिक्स बट वो रियल लाइफ में दे दे कूडन डू एनी थिंग दे फेल इन फैक्ट वाई बिकॉज जो रियल लाइफ की स्किल्स है वो उनको कभी सिखाया ही नहीं गया दिस इज द प्रॉब्लम एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें हमें होलजमलेस होल्जमेस लाना जरूरी है तो जो टैलेंट है उसको करें भेड़ चाल जो होती है वो करेक्ट नहीं होती है ये सब चीजें हमें देखना चाहिए अब इसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया अगेन चीफ जस्टिस साहब एन वी रमन्ना का एनी चेंज इन द नेशंस ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज स्टेम्स फ्राम इट्स यूथ यूथ को इतना फोकस क्यों किया जाता है बिकॉज यूथ इज लाइक गीली मिट्टी यू कैन शेप इट इन गुड वे इन अ शेप इन अ चेंज कुछ एक बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं तो देट इज़ वाई यूथ को हमेशा टारगेट किया जाता है दिस कैन बी डन बाय रीडिफाइनिंग द क्लास स्पेस टू चैनलाइज द यूथ पॉवर ये जो पावर और एनर्जी है इसको चैनलाइज करना ज़रूरी है ग्रूम करना ज़रूरी है फैसिलिटेट करना ज़रूरी है सो दिस इज दिस शुड बी द वे फॉर्वर्ड मॉडर्न एज एजुकेशन में तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है लेट इस ट्राई टू एलेबोरेटेट

और वो गुड वे तब होगा जब उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाएगा ग्रूम किया जाएगा उनकी एनर्जी को यूज किया जाएगा मिस यूज नहीं सो ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन स्कोप ऑफ अवर सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट मेंूस्टर्स शॉट ये एडिटोरियल है अब इस एडिटोरियल में रेगुलर टॉक्स है कि बूस्टर शॉट जो एक और वैक्सीनेशन है वो दे या नहीं दे लेट अस सी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है देन पार्टी एंड पावर दिस इज पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल एडिटोरियल ओमिक्रॉन रेस्पॉन्स इज नॉट मेकिंग सेंस अब इसमें भी पूरा दिस नॉलेज ड्रिवन टॉक्स है हमें इसमें नहीं जाना चाहिए लेट इस वेट एंड वॉच कि गवर्नमेंट क्या स्टैंड ले रही है ओमिक्रॉन की ट्रेजेक्ट्री क्या हो रहा है बिकॉज इसमें बहुत सारी कंडीशन अप्लाइड है वी रियली डोंट नो ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा देन कोऑपरेशन अवेट्स इट्स फाइंडिंग रेफिसन मूवमेंट तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टेक्स में क्योंकि यहाँ बात किया है कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ही दिन पहले हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन में अमूल कोऑपरेटिव पढ़ा कोऑपरेशन सी इंडिया में अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्रेडिट फैसिलिटी की पैसे नहीं मिलते हैं पैसे मिलते नहीं है फॉर्मल चैनल से तो क्या होता है जिसको गांव में ज़रूरत है किसान है या फिर कोई छोटा ऑन्ट्रप्रनोर है वो इन फॉर्मल चैनल से पैसे लेने की कोशिश करता है और फिर वो कई बार फ्रॉड होता है डेट ट्रैप होता है प्रेमचंद की बुक्स बन जाती हैं द पॉइंट इज वी नीड टू फॉर्मलाइज वी नीड टू फॉर्मलाइज दिस क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्लस जो पीपल होते हैं अगर पीपल सिमिलर टाइप ऑफ पीपल है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको अगर अपन ग्रुपिंग करें तो हम लार्ज स्केल में ऑन्टरप्रोनोर्स बना सकते हैं हम लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और ये जो एम्प्लॉयमेंट आएगा वो आएगा ग्रास रूट लेवल पर ग्रास रूट इससे क्या होगा आर्टिकल थर्टी नाइन बी आर्टिकल थर्टी नाइन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सो दैट इज बाय हम कोऑपरेटिव्स को इतना पसंद करते हैं तो द पॉइंट इज कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी ने 1954 में भी ये कहा था फिर इंपॉर्टेंट आर के दिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ऑल ने भी कहा था कि क्रेडिट फैसिलिटी एक बहुत बड़ा हेडेक होता है बहुत बड़ा बॉटल होता है दिस रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो ये पाँच डेकेट पुरानी बात है अभी भी सीन कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए अगर कोऑपरेटिवस की बात करें तो इसका भी एक हिस्ट्री है कि यूरोप में ऐसा स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव वग़ैरह दीज आर नंबर लुकिंग गुड नोटेड डाउन इफ़ यू वांट इसका देखते हैं आगे यूटिलिटी सो दिस इज़ पायोनियर्स इन यूरोप शुरुआत में ऐसे करके कोऑपरेटिव स्टार्ट हुए कोऑपरेटिव जो स्टार्ट हुए ना उसकी कुछ वैल्यूज़ थी ये हमारे काम का है कि कोऑपरेटिव हमको क्यों चाहिए कोऑपरेटिव हमें चाहिए बिकॉज इससे सेल्फ हेल्प हो सेल्फ गवर्नेंस हो और सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो इससे क्या होगा आर्टिकल 40 फोर्टी जो है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन वो रियलाइज हो पाएगा कोऑपरेटिव में ये की वर्ड इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट वर्दीनेस रिजाइलियंस अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस और इसी में ये जो सक्सेसफुल मॉडल था रेफेंसन बैंक का वो सब यहाँ से लिंक्ड है हमें जो रूरल क्रेडिट है क्रेडिट मतलब पैसा देना डेबिट मतलब कट करना तो फ्यूचर ऑफ रूरल क्रेडिट लाइज विद दो बींग ऑफ द पीपल लिव अमंग द पीपल एंड येट बाय देयर इंटेलिजेंस प्री साइंस एंड एनर्जी आर अब द पीपल वेरी गुड लाइन नोटेड डाउन डाउट तो हमें रूरल क्रेडिट में ऐसे लोग चाहिए जो उस मुद्दे को जानते हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी पता है और फिर वो उस ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस सॉल्व करके उनको एक डायरेक्शन दिखा पा रहे हैं

तो एक तो ये बताया जैसे ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी था ये ब्रिटिशर्स के जमाने का था मद्रास वगैरह में इसकी शुरुआत हुई थी बट इसमें भी क्या हुआ ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म और कोलोनियल माइंडसेट तो इसने इतना डिलीवर किया नहीं प्लस हम आगे बढ़े तो हमने देखा कुछ सक्सेसफुल हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बने जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मतलब कि अमूल तो ये कोऑपरेटिव बना इफ़को जो शुरू में गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था दिस इज़ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड फिर एक कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड सो हमारे पास सक्सेसफुल कुछ मॉडल्स भी आए कोऑपरेटिव के द पॉइंट इज़ इसके नंबर्स और ज़्यादा क्यों नहीं आते हैं तो इसकी फिर इन्होंने कुछ सजेशन्स दिए हैं कि हम सजेशनस क्या करें पहला सजेशन तो ये करें कि ये जो आर बॉडी है टू मच ऑफ रेगुलेशन इतना रेगुलेशन से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है इसको सिंप्लीफाई करें लॉज जो हैं उसको सिंप्लीफाई करें सेकंड जो यहाँ पे बात कहा वो कहा रूरल अर्बन डायकोटमी है रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव स्पेशियस एंड आउटडेटेड है तो अगेन रेगुलर टॉक्स है एक्चुअली इंडिया में क्या होता है जैसे रूरल कोऑपरेटिव है ये आते हैं नबार्ड में और जो अर्बन कोऑपरेटिव है उसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो इससे क्या होता है एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो ये भी एक रीज़न है कि जिससे हम स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे कोऑपरेटिव की प्रोसीजर को तो ये एक बात का फिर रेगुलेशन जो है सी आर और नाबार्ड तो इससे चैलेंजेस इन डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं प्लस जो नाबार्ड है नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल बॉडी है बट हम क्या करते हैं ओवरबर्डन कर देते हैं अब नाबार्ड का काम ये भी डाल दिया हमने कि वो इंस्पेक्ट करे रूरल कोऑपरेटिव को तो उसका जो कोर मैंडेट है नबार्ड का वो उस कोर मैंडेट को साइडवेज हो जाता है वो निगलेक्ट हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सो द पॉइंट इज वी नीड अ न्यू रेगुलेटरी रिजीम कोऑपरेटिव को स्ट्रीम करने के लिए फिर नीदरलैंड का एक एक्सपीरियंस से बताया है मल्टी एजेंसी अप्रोच करे दीज आर टॉक सजेशन कि हम इस टाइप से कोऑपरेटिव्स को सिनर्जाइज कर सकते हैं द होल आइडिया इज कोऑपरेटिव्स आर इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन के के लिए के लिए एंड एंड इसमें रेगुलेशन फैसिलिटेटर का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए और ये शुड बी अवर वे फॉरवर्ड इसी से मिलता दूसरा टॉपिक है वो है आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी यहां लिखा है बिफोर दैट दिस इज रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ एमिरेटी वन यहाँ पे बताया है कि यूएई जो है ना अगर पूरा अपन अरब पेनसुला देखे तो यू ए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना जाता है प्रोग्रेसिव और यू पहले ऑयल बेस्ड इकोनॉमी था यू को अब पता है ऑयल ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं तो यू ने क्या किया खुद को मॉडर्नाइज किया डाइवर्सिफाई कर रहा है वो बिजनेस जैसे टूरिज्म में हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ यू ए यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है द नीड टू रीओपन आंगनबाड़ी ये सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंगनबाड़ी आंगनवाड़ी क्यों है जैसे हम देखते हैं ना गांव वगैरह में हम देखते हैं आंगनवाड़ी है वहाँ पे जो वहाँ की जो वेमेन है या फिर बच्चे हैं उनको अर्ली एक जो नॉलेज डिस्मिनेशन करना है गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट देने हैं बच्चों को कुछ पढ़ाना है डायरेक्शन देना है एक हेल्प प्रोवाइड करना है वो सब एक वन पॉइंट सिंगल पॉइंट सेंटर होता है आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है सो दिस टेल्स कि इसको रॉबोस्ट बनाना क्यों जरूरी है इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए आंगनवाड़ी में ये एक सोशल सर्विस है सोशल प्रोग्राम है ऑन अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज अब सी यहाँ कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि आंगनवाड़ी क्यों जरूरी है और यहाँ चैलेंजेस क्या है पहला तो जैसे बच्चों की बात किया चाइल्डहुड तो एक होता है आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और इसके लिए आंगनवाड़ी बहुत जरूरी है क्योंकि आंगनवाड़ी यहाँ पे जो हाउस होल्ड है या लो इनकम फैमिली है उनमें चाइल्ड केयर हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप रेफरल सर्विस ये सब क्या है ये मिलते जुलते पॉइंट हैं होल्जम हेल्थ केयर के लिए और ये जो हेल्थ केयर होती है वो जो डिलीवर होती है तो उसका नोडल सेंटर बन जाता है दिस आंगनबाड़ी तो दैट इज वाई आंगनबाड़ी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आईसीडीएस टाइप गवर्नमेंट स्कीम्स सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी आई थी इसने आंगनवाड़ी को अगेन एट द सेंटर ऑफ द पुश टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे रखा मतलब बहुत सारा गांव में बहुत सारे लोग हैं अब उसको डिसेमिनेट जो करना है ना तो वो यहां से आएगा आई दिस आंगनवाड़ी से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसे बच्चों को टाइम टू टाइम कौन से टीके लगाने हैं कोई टैबलेट्स देना है वर्मिंग डी करना है लाइक like दैट ये सब आंगनवाड़ी के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है अब दूसरी बात है आंगनवाड़ी वर्कर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन फॉर फैमिली लाइक जो फैमिलीज हैं स्पेशली वुमेन है उनको बताना कि आप डाइटरी क्या फॉलो करो न्यूट्रिशन रिलेटेड उनको टिप्स एंड सजेशंस देना यंगर चिल्ड्रन आंगनवाड़ी में जाते हैं तो इससे क्या होता है जैसे वुमेन है उसको काम पे जाना है बच्चे अगर आंगनवाड़ी चले गए तो उसको भी अपना फ्री टाइम मिलेगा और वो वर्क पे फोकस कर पाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रहा है इन अ वे दिस इज अगेन स्ट्रेंथ ऑफ आंगनबाड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ पे इंफ्रा कम है यहाँ जो वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए और रेन्यूमरेशन भी रेम्यूनरेशन भी प्रॉपर मिलना चाहिए तनख्वाह वगैरह सब टाइम पे मिलना चाहिए इंसेंटिवस मिलना चाहिए ताकि वो अपना ड्यूटी अच्छे से कर पाए ड्यूटी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है जैसे टीचर्स में भी हम देखते हैं हमारे यहाँ सरकारी टीचर को पढ़ाने के अलावा हर दूसरा काम करने के लिए फोर्स किया जाता है लाइक like, कभी सर्वे में जा रहे हैं कभी मिड डे मील से काम करा रहे हैं सेम चीज़ होती है आंगनबाड़ी में भी द पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और जो कोर सर्विस है टीचर का काम है पढ़ाना वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है प्री स्कूल एजुकेशन एंड प्रायोरिटी पे नहीं आता तो दिस इज़ अगेन वन चैलेंज सो द पॉइंट इज वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है अर्ली चाइल्डहुड केयर सर्विसेज में और ये जो बच्चों का शुरू का जो दो तीन पाँच साल होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइम पे अगर उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला तो वो एक हेल्दी एडल्ट में बनते हैं वरना अगर इस टाइम पे बच्चे पिट गए ना तो फिर वो पूरा लाइफ लॉन्ग उसको रिफ्लेक्ट होता है सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस टाइम को हम सिंसियरली ले इग्नोर नहीं करें क्रूशल रोल है लाइफ आउटकम डिसाइड करने के लिए तो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर आंगनवाड़ी में और ये इंटरवेंशन हम करें इनोवेटिव सोल्यूशन निकाले आंगनवाड़ी को फुल्ली यूटिलाइज करें अब जैसे ये टॉपिक है कुछ ही दिन पहले हमने न्यूट्रिशन हेल्थ केयर रिलेटेड भी एक टॉपिक प्रिपेयर किया था सो कनेक्ट दीज पॉइंट्स टू दैट टॉपिक आंगनवाड़ी जो है वी आर प्रो आंगनवाड़ी दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस इज पॉलिटिकल अब ये एक और प्रॉब्लम है एनीमिया बढ़ता जा रहा है अमंग चिल्ड्रन ऑन द राइज एक तो ये मतलब डफर टाइप इन्फ्लुएंसर होते हैं इंस्टाग्राम में डाइटिंग वगैरह इन सबको नहीं फॉलो करना चाहिए हेल्दी खाना खाओ हेल्दी फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वैसे भी बच्चे मोटे वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है बॉडी ग्रो होती है एक्सरसाइज करो स्पोर्ट्स करो आउटडोर एक्टिविटी करो डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो ईट हेल्दी एनिमियान की डेफिशेंसी है इंटेस्टाइन खाना साफ नहीं खा रहे हैं क्रोनिक किडनी एलिमेंट है तो एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी है फूड जो है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है आयरन ड्यू टू मेडिकल रीजन कुछ भी कॉज हो सकता है एस्पेशली जो अभी नंबर वन कॉज होता है वो होता है दिस डाइटरी प्रॉब्लम खाना अच्छा नहीं है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और उसके कारण फिर दिस लॉस ऑफ दिस आयरन एंड एनीमिया होता है सिम्टम्स क्या होता है वीकनेस फटिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ गिडीनेस हेड हार्ट बीट ड्राई स्किन वगैरह तो ये सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स हैं अब स्टूडेंट्स में ये स्टम सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन पे कैसे फोकस करेगा सो दैट इज़ वाई हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या है सबसे अच्छी बात है बैलेंस्ड डाइट खाना वेजिटेबल ये फास्ट फूड वगैरह नहीं वेजिटेबल्स आयरन की जो है स्पिनच कैरेट, रेडिश बीट रूट पोटेटो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होल्जम खाना खाना है आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं रिक्वायर्ड मेडिकल में कई बार आयरन फॉलिक की टैबलेट दी जाती है स्कूल में सो so, ये मैनेजेबल है डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट होता है सो दिस इज वेज टू टैकल एनीमिया इसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए लुक एट द नंबर गुजरात में इतने चिल्ड्रन है देन छत्तीसगढ़ में भी इशू है अर्बन रूरल दोनों जगह दिख रहा है एन एफ एच एस फाइव ने भी सेम चीज रिपोर्ट किया ये मैप भी देखो इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवेयर एवरीवेयर चिल्ड्रन यहाँ पे एनिमिक नजर आ रहे है दिस इज अबाउट नागा इंसर्जेंस नागा इंसर्जेंस एंटी ड्रोन टैक है फॉर पाकिस्तान बॉर्डर अभी एक्चुअली फिफ्टी रेजिंग डे था बी एस एफ का जैसलमेर में ड्रोन्स यूज करेंगे एंटी ड्रोन्स यूज करेंगे ड्रोन्स का जो नया थ्रेट है उसको वार्ड ऑफ करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये हैदराबाद बेस्ड है रॉकेट मैन एम फॉर द स्टार्स क्रायोजेनिक इंजन प्राइवेटली बिल्ड प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है जैसे यूएसए में है दिस अलॉन मस्क वगैरह की जो कंपनीज इंडिया में भी हमने कुछ दिन पहले देखा इसरो ऐसे फैसिलिटेटर का काम करे नए टैलेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करे स्पेस एक्सप्लोरेशन में देन दिस इज मोरारजी एफेक्ट्स टू म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर फैमिली ने डोनेट किया देन दिस इज देर देन इंडिया रिपोर्ट दीज मैनी केसेज ओमिक्रॉन का इक्वेशन लॉस ऑफ मोमेंट ऑन स्टेज शिया में वॉल्केनो इरप्शन हुआ यू एस स्लैम समरी किलिंग्स एक्स सिक्योरिटी फोर्सेस दैन दिस इज म्यांमार हुटा इजराइल बी अवेयर ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी ये बहुत बड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस हो सकता है इन्वेस्टमेंट सो बी अवेयर आर बी आई और गवर्नमेंट गाइडलाइंस वेट देन इंडिया ऑन द कस्प ऑफ अनादर होम सीरीज विन गुड एंड सिंधु भी बहुत अच्छा खेल रही है

तो चाइना ने टेस्ट किया न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल अगस्त में रशिया ने बोला इनका भी प्रोग्राम चल रहा है यूएसए ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहा है तो हाइपरसोनिक मतलब दिस इज़ लाइक वेरी क्विकली वो एक्टिवेट कर सकते हैं ये मिसाइल सिस्टम एंड ऑल न्यूक्लियर वॉर वगैरह डिप्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है रेंज भी बढ़ती जा रही है टाइम भी कम है डिसीजन मेकिंग तो दिस इज़ अ थ्रेट वेपन्स अभी ऐसा नहीं है बट जो न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करें बट ये जो बात होती है ना ये क्लासिफाइड भी होती है जैसे एक्चुअल जो कैपेसिटी होती है मिसाइल्स की वो कभी बताई नहीं जाती इंडिया ऑपरेट्स 12 हाइपरसोनिक विंड टनल हर कंट्री कर रही है मैक 13 तक पहुंच रहे हम तेरह गुना स्पीड ऑफ साउंड तो ये बात चल रही है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल भी हमने किया था वेपन्स राइज वॉर दिस वेपन रेस ये डीआरडीओ है डीआरडीओ का यहाँ पे हमने डिमोन्स्ट्रेशन किया था डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स ओडिशा में सेप्टेम्बर सेवन को सो ये होते हैं हाइपर सोनिक दूसरा क्लियरिंग द माउंटिंग डेट ऑफ एयर इंडिया तो हमें पता है एयर इंडिया बेच दिया गया है और एयर इंडिया के जितने भी डेट्स वगैरह है उसको क्लियर करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट अभी मांगी गई थी सप्लीमेंट्री ग्रांट तो बासठ हजार करोड़ रुपए का इसका उधार है उसको भी चुकाया जाएगा देन ये पूरा दिस क्लोज अप हो जाएगा एयर इंडिया ये जो है दिस इज वर्ड्स विच साउंड द सेम मे नॉट मीन द सेम काफी पहले जब हमने शुरू से ही हमने इंग्लिश लैंग्वेज पे एम्फेसाइज किया है कि लैंग्वेज प्रोफिशंसी होना चाहिए ये एक्चुअल में बड़ा हेल्प करता है अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना वर्बल रिटर्न तो आपको इन अ वे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे एग्जाम प्रिपरेशन ही नहीं ओवरऑल दिस डे टू डे लाइफ में भी सो दैट इज वाई लैंग्वेज प्रोफिशियंसी इतना जरूरी है इसीलिए हमने इतने एफर्ट्स किए एन बोल बोल के देख देख के पढ़ो वोकेबुलरी करो एंड ऑल बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट अब यहाँ दो वर्ड्स दिए हैं लैंग्वेज रिलेटेड वो है लाइक like, एक होते हैं होमोफोन्स मतलब साउंड सेम है प्रोनासीशन सेम है जैसे वेदर वेदर बट दोनों का मीनिंग अलग है ड्यू ड्यू ये दोनों प्रोनासीएशन सेम है स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है तो फोन्स फोन्स मतलब फनेटिक जो उच्चारण है वो सिमिलर है मतलब similar, तो phones, है सेम, तो उच्चारण वो homophones हो गए का एक आपको प्ले मिलेगा हंड्रेड डे तक हमने एवरी डे फाइव मिनट कुछ इंग्लिश पढ़ा था have a look, काफी अच्छे उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिर ये आता है होमोनिम्स ये क्या है राइट right, राइट right, अब इसका स्पेलिंग भी सही है मीनिंग भी प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा हो रहा है बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है स्पेलिंग प्रोनाशिएशन सेम है मीनिंग डिफरेंट है ये राइट right, मतलब टेक राइट नेविगेशन करते हुए टेक राइट तो ये राइट right हो गया यू आर राइट मतलब यू आर करेक्ट मीन मतलब एवरेज और इफ अ पर्सन इज मीन मतलब दैट पर्सन इज नॉट वेरी नाइस बार्क ट्री भी होता है बार्क डॉग भी करता है तो शब्द एक जैसे हैं बट मतलब अलग है तो ये हो गए होमोनिम्स देन दिस इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से मैट्रिक्स मूवी भी आई है और कंप्यूटर्स आए हैं तब से हम यही सोचते आ रहे हैं कि मशीन्स हैं ना वो किसी तरह ह्यूमंस बन जाए और आज की डेट में जो ह्यूमंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं मशीन्स बनने के. So, तो, humans, humans machine. की सो दिस इज अगेन अ डाइकॉटमी तो मशीन्स आर ट्राइंग टू बिकम ह्यूमंस एंड ह्यूमन्स आर ट्राइंग टू बिकम मशीन अब मशीन्स की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेटा कलेक्शन हो रहा है प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है तो मशीन्स क्या है हमारी तरह सोचने लग गई है और स्पोर्ट्स में भी ये जैसे देखने को मिल रहा है कई बार चेस वगैरह कंपटीशन में देखा मशीन्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अब जब भी कंप्यूटर्स वगैरह की बात करते हैं तो नाम आता है कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग इसकी एक मूवी भी है बड़ी अच्छी मूवी है एलन ट्यूरिंग सो so, इसमें शर्लॉक होम्स वाला एक्टर है एलन ट्यूरिंग रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ थिंक एंड मशीन एक्सपेरिमेंट इमिटेशन गेम तो इस से ये जो दौर था ना ये वर्ल्ड वॉर टाइम का था इस दौर पे हमने चालू किया कि मशीन्स को कैसे हम ह्यूमन जैसे डिसीजन मेकिंग सिखाएं सोचना सिखाएं इंटेलिजेंस सिखाएं तो ये शुरुआत थी फिर ये डीप ब्लू आया आईबीएम का ये चेस खेलता था सुपर कंप्यूटर आया अलगोरिदम्स बने डिसीज़न मेकिंग हुआ इवॉल्व हुआ कॉम्प्यूटेशनल प्रॉबर हुआ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स आए और इसने डिफीट कर दिया वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को सिक्स मैच में तो एक बड़ा अचीवमेंट था डीप ब्लू आईबीएम का 97 2016 में डीप माइंड आ गया ऑफ शूट ऑफ अल्फाबेट इंक है गूगल देन इसने भी काफी यहाँ पे प्रोग्रेस किया है गेम्स वगैरह में डीप माइंड सो दिस इज देयर द आइडिया इज कैन मशीन रिप्लेस ह्यूमन कैन मशीन डू वॉट ऑल ह्यूमन्स जिस तरीके से ये बढ़ रहा है तो मैट्रिक्स रियलिटी दिख रहा है लेटेस्ट सी द चेंजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप दे नेशन का यहाँ पे फिनलैंड का quiz है. Okay. So, this is AI और हमने बात किया कॉन्सेप्ट समझा बैडमिंटन बी अवेयर इंडोनेशिया देन ओमिक्रॉन केसेस आ रहे हैं दिस इज हैदराबेद बेस्ड रॉकेट एनिमिया समझना है कोऑपरेटिव आंगनबाड़ी एजुकेशन रि इमेजिन करना है Judicial and this is A Q I and this is breathtaking. Halton Omicron. So this is sixth of December two thousand twenty one. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.